प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज एक दिवसीय कार्यक्रम रीवा में रहा। मुख्य उद्देश्य लाडली बहना के खातों पर शासन के द्वारा दी जाने वाली राशि एक क्लिक के माध्यम से देनी थी। रीवा में विकास पुरुष के नाम से जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो गंगा बहाई है, कहने को नहीं देखने को मिली। विवेकानंद पार्क से जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री के रोड शो यात्रा प्रारंभ हुई, कहीं पांव रखने के लिए धरती नहीं दिख रही थी। शासकीय से लेकर अशासकीय विभिन्न संगठनों के ज्ञापन का रेरा देखने को मिल रहा था। शासकीय अध्यापक शिक्षक संघ, गुरुजी संघ, अतिथि शिक्षक संघ, पंचायत सचिव संघ, आउटसोर्स कर्मचारी संघ, कोविड काल में सेवारत संविदा डॉक्टर संघ, आशा ऊषा कार्यकर्ता संघ, पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण संघ, कुल मिलाकर विकास पुरुष के रेरा में शामिल होने के लिए विभिन्न संगठनों ने केवल एक बहाना बनाकर 10 लाइन का ज्ञापन लेकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करने की चाह को लेकर भरी दोपहर में दौड़ पड़े, जिसने जहां जगह मिली वहीं पर अपना बैनर पोस्टर लेकर खड़े हो गए और प्रदेश के मुखिया को गदराई आंखों से देखते हुए ज्ञापन सौंपा। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक रीवा के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला का रेरा देखते ही बन रहा था। वहीं विरोधी सरकार मूक दर्शक की तरह देख रही थी और ये सोच रही थी कि ऐसा कौन सा विरोधी प्रत्याशी होगा जो राजेंद्र शुक्ला को मात दे सके। बहरहाल मुख्यमंत्री के रोड शो में रीवा के 10 किलोमीटर की परिधि में जनता का जो रेरा था, विकास पुरुष के विकास को सिद्ध कर दिया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।